हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है जी आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी आज मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत दूध और रविंद्र की स्पेशल डाइट, क्योंकि जी रविंद्र का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद ये ज़्यादा वीक फील कर रहा है, तो इसलिए स्पेशल डाइट बना रखी है कुछ कुछ डाल के ने। खैर रविंद्र ने बहुत टेस्टी लगा, मैंने इतनी टेस्टी ना लगती, मैंने तो बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, एक नंबर की। रविंद्र ने बहुत बढ़िया लगा है जी। तो जी आज मेरी बेबे ने बनाई है मिर्ची। तो जी आज के व्लॉग में आज मैंने खाना वाना बना कर रेडी कर लिया, पैक कर लिया। आज कहीं घूमने जा रहे हैं, ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने दीदी से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, दीदी बोले कि पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे, मतलब जहाँ गाड़ी का ना किसी में जहाँ गाड़ी का मुँह हो जाएगा ना उधर ही चल पड़ेंगे। तो क्या घूमने के लिए बहुत चीज़ है। हाँ घूमने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन स्नो भी है इधर, लेकिन उधर जाने के लिए बच्चे थोड़े से वीक फील कर रहे हैं, तबीयत खराब होगी तो उन्हें लेकर नहीं जा सकते। तो इसलिए हमने सोचा है कि कोई आसपास में घूमाऊंगे थोड़ा बहुत। आज छुट्टी है सबकी, रोटी खाली है, जब कैमरा उठा के लेकर आया है तो जी आ जाओ। उठ के समोर भी रोटी रखी है, पनीर की भुजी और आंबी की चटनी के साथ में, एक नंबर का मजा आ रहा है। गला परांठे रोटी है, रोटी दाल डाल कर रोटी बना रखी है। अच्छा एक नंबर का टेस्ट आ रहा है। मैंने सोची थी हम जाएंगे पिकनिक मनाने, उड़े खाएंगे, पर लेट इतने हो रहे हैं, 11 बजे हो रहे हैं, भूख है इतनी जोर की लग ली की, थोड़ी तबीयत डाउन हो रखी। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? तो जी आज फर्स्ट टाइम मैं मेरी भांजी के साथ गाड़ी में बैठा, मेरी भांजी चला रही है गाड़ी। ज्योति डर तो नहीं लग रहा ना? इशू को डर लग गया मेरे ना। मैं तो साथ तो जी रविंदर ने रूल नहीं पता है, वह फेरियो मतलब फेरियो गाड़ी में घुमाया करेगा। एक दो दिन हम ऋतु के मजे ले लिया। तो जी आज वेदर देखो कितना बढ़िया, धूप निकल रखी है, मस्त मौसम हो रखा है। तो जी आज वेदर देख प्लानिंग करी है बाहर घूमने की, क्योंकि बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, इसमें ठंड भी ना है और कल इतनी ठंड थी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। अभी हम आगे अपनी सिस्टर के घर से और जा रहे हैं हम अपने घर, वहाँ पे करनी है ड्रेस चेंज। और ये जी हमारे ड्राइवर तो जी हम पहुंच गए सिटी में, और सिटी में ही मिलेगी केवल ऐसी बिल्डिंग है। तो जी देखो ये है ट्रेम, छोटी ट्रेन कह लो, जो उधर दार्जिलिंग में भी है, कलकत्ता में भी है। मुंह नहीं दिखाती, कोई ना देखता तेरे मुंह ने, नहीं देख रहे आपकी साइड नहीं दिखा रहा बेटा कैमरा, अरे तेरी मामी की साइड हूँ मैं। तो जिसको शर्म बहुत आ रही है, और इसकी चला ले बस, हमने इसकी मम्मी ने कहा था कि उसकी वीडियो जरूर बनाना, इसकी दादी ने भी की, इसकी दादी ने भी की, मतलब मेरी मौसी ने भी की। अब वैसे शर्म भी इतनी है, हाँ स्टेज पे जब भी हरियाणवी यहाँ पे कुछ होता है ना तो पक्का डांस करती है, तब इसको शर्म नहीं आती, लेकिन वीडियो बनाता हूँ तब इसको बहुत शर्म आती है। तो जी देखो ये है कार रिटेल का काम, मतलब एक गाड़ी के ऊपर 3-4 बंदे लगा रखे हैं, और इनकी सैलरी भी बहुत बढ़िया है, सैलरी बढ़िया है इनका, एक घंटे के 35-30 से 35 होते हैं ना। हाँ जी यहाँ के ये पुराने घर, पर ये बहुत सुथरे से लगते हैं, इधर डिजाइन कितना सुथरा लग गया, मैंने घूमने में बहुत सुथरे लग गए ये घर, इतना सुथरा छोटा छोटा डिजाइन करा गया, बारीक बारीक इनमें मार्क है, फिर अपने नहीं हुआ करते जो भी छोटी छोटी इटा के घर थे, देखो कितने प्यारे लग गया करे, बहुत सुथरे लग गए, इसे दिखने लग रहे मेरा डे और दे दे इसने इंडियन मोटरसाइकिल शोरूम है ये, हाँ होंडा। तो जी यहाँ पे वैसे बाइक है ना बहुत कम मिलेगी, बहुत रेयर बाइक मिलती है, लेकिन जितनी भी मिलती है ना मतलब टॉप की कार यानी कि बाइक मिल रहा है। मले इसको इन मुझे एक साइकिल साइकिल चला सु गाड़ी ना होगी चलानी, तन साइकिल आओ चलानी, और जिसे साइकिल आवे तो ना उसी कार आवे है। तो जिसने डर लग रहा है कि मैं कार क्यों कर चलाऊंगी रोड पे, और सीखूंगी जल्दी देख लियो, कुछ 1-2-4 महीना मैं चलाती पाऊंगी, आपने देखते जाइयो, सीखूंगी बहुत जल्दी, मैंने क्यों नहीं कहा, उम्मीद है नहीं आता। तो जी हम पहुंच गए फेयरफील्ड पार्क में, और मेरी भांजी ज्योति को थोड़ा ज्ञान दे रही है कि यहाँ पे सर मैडम कुछ नहीं चलता, यहाँ पे आपको नाम लेके बोलना है, छोटे बड़े नहीं, नाम लेके बोलना है, हमेशा नाम लेके बोलना है, चाहे वो आपसे कितना ही बड़ा छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो आपको केवल नाम लेके बोलना है। सर बढ़िया लग रहा है, तो जो हमारे टीचर हो रहे लेक्चरर हो रहा है उन तक कहने में कोई वो नहीं, वे हमारे है गुरु है, तो उन तक कहना, बाकी आम आदमी तो कम है ना। मजे आ रहे बहुत ज्यादा, बहुत
अभी वोटिंग करेंगे है ना, देखते हैं। चाह भी ना पीनी ना, मैंने कॉफी पीनी ना, पीनी चाह कॉफी लग गए हैं। कुछ और खा लो फिर हैं, तो वो देख ले के ले, मिठी जो ठीक रहे वो ले ले। आजा मम्मा के साथ खींचा ले फोटो, तेरा भी नहीं है। क्या हो गया? इतनी सीढ़ी है, मेरे तो पैर टूट गए। कितनी जम्मा खड़ेगा घूमना। बाकी मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना। हाँ मौसम बढ़िया हो रहा है, और है ना मजा आ रहा है इस मौसम। हमने चाय ली थी, थोड़ा सांस चढ़ने का तकम बोले था। चाय थी दालचीनी वाली, सिनेमन वाली, इतना गंदा टेस्ट था। मतलब फिर कॉफी का ठीक था, कॉफी बनी स्ट्रॉन्ग बना आ रहा है। तो मैंने लिया मैंगो शेक, हॉट, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। नू कही कती नवाई दे दी उनने, एक वही कटोरा फिर पी जाओ। और मैंगो शेक दे दिया, उसमें मैंगो कहीं मिला ही नहीं फ्लेवर को, और उसमें बर्फ जो पीस के डालते ना क्रश कर दे, बोतल में क्रश हुआ है ये मैंगो को, तो अपने साइड में मिल लेंगे। अने अभी तक सो रहने को देने के लिए आए थे, सामने मोजिनो लगा रखी है, देख ले लू का धक्का देने जाओ खाई में। नीचे खाइए हवा दिखन लाग रही। अरे देख मौसी वो पानी रहा, देख वो जोड़ रहा, देख अरे घना डूंगा जोड़ है वो। अरेबियन कहेंगे उसमें वोटिंग करवाऊंगे, जान देखियो वोटिंग करवाऊंगे, उसमें वोटिंग बिठाऊंगे आपने। अरे ऑर्डर लग जा रहा है ने बर्ड्स बर्ड बोबो भी था उधर। आजा आजा मैं लेकर चलूंगी तेरे पास, नहीं आऊंगा। तो जी ये ठा लिए है रविंदर अन्ना, रेडी जंगती, जंगती तैयार, दो नीचे जंगती। और देखो मैं भी तैयार हो ली हूँ। हम चार एक मसले जा रितु ने, मैं ले लूंगी। अच्छा। आज बेटा मेरे गिल्ला ये देखो जी रविंदर ने सीख गया, दोनों चलाओ। मुड़ते गई मौसी, ये कितने के जा गई ना, ये दोनों चलानी पड़ेगी। देख कितनी डक आ गई, ये जो बढ़ रही है। तो जी फाइनली अब जा रहे हैं वापस घर। तो जी बहुत घूम लिए और इतनी ज्यादा थकावट हो गई है, हम घर जा रहे हैं। करते करते ना कसम से पसीना आ गया इतनी ठंड में भी। तो जी रविंदर बीच में बिठा दिया, तो अगली बार हमने प्लानिंग करी है, हम लेडीज एक में जाऊंगे और जेंट्स एक में जाऊंगे, फिर देखेंगे जो जिसमें किसमें कितना है दम। ठीक है, फिर भी मैं हूँ बाजीराव सिंह, देख मैं पहले लेके आ गया। यह बात सही है। तो अभी नींद, और नींद तो बनने भी आ रही है, पर मैं सो नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरी भांजी के साथ आगे सीट पर बैठा हूँ, उसने भी नींद आ जाएगी। और ये देखो ये नौटंकी कर रही है। तो जी आज बच्चा कह रहा था मीठा मीठा खाने का मन, तो आज हमने बना लिए खीर। ये खीर की तैयारी शुरू कर दी है, खीर के साथ रोटी, खीर के साथ रोटी, एक दो रोटी अचार के साथ। अचार खीर उसके साथ टेस्ट बड़ा एक नंबर का। मैं तो अचार भी नहीं खा सकता, पर खीर के लिए खा जाऊंगा। खीर के साथ खा लियो और बढ़िया लगेगा, नमक डाल दूंगी रोटी में, बहुत बढ़िया मजा आएगा उनमें खाने में। मुझे देखो बच्चा पार्टी खेल रही है, मेरी बेबे मेरा टीवी खाना अप्लाई कर रहे हैं। फाइनली हम आगे ज्योति के भाई हो रहे हैं, फ्रीमा खाण सेठ जी ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर ले लिया। खरगोश खाना है, चिकन खाना है, चाप पानी पनीर। काम की बात करो, काम की बात, काम लेना हमने कूटर का, काम काम को नहीं मत ये हमने चार दिन हो गए नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी चाहिए हमने। बात तो है ही, अरे मैं ऐसी खड़ी होकर ना रात से लिया करूंगी, खड़े तो कर लियो। हां हां आज बात से लूंगी। देखो देखो कैसे चेपन लाग रहे हैं, और एडवांस में यो रख रखे हैं दो प्लेट। ये खा जाएगी संडे के दो मिनट में खत्म है ये।
टेस्ट कैसा लगा है उसका? पापा तेरा भाई बना हुआ है बढ़िया। देखो देखो मेरा बढ़िया बना हुआ। तो ज्योति ज्योति ने जॉब स्टार्ट कर दी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बना के लेगा जो अपने आता है। हाँ तभी करूँ, थैंक यू। देखनी है, खानी तो मैंने। देखो तो जी वाम आ गए मेरे भाई के फूड ट्रक पे, तो खाना खा के ने वापस और पेट में तो फूल होकर आ गया था। रविंदर ने तो घर आके थोड़ी खीर खा ली थी, हमने नहीं खाई। और मैंने सुबह इतने सारे कपड़े धो के गई थी, वह सूखे नहीं। मैंने आई तो मैंने ड्रायर करे और रात इतने कपड़े तय करे। मैंने रविंदर तो यूँ कही थी मेरे कपड़े फोल्ड करवा दो, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था यार। फिर रात कपड़े फोल्ड करे और आज 11 बज गए इवनिंग, तो मैं वीडियो एडिटिंग कब करूँगा फिर? कोई नहीं, मैंने सोचा कर लेती हूँ। और जी हम जहाँ घूमने गए थे उसमें इतनी चढ़ाई थी और फिर इतना ऊपर चढ़ना इतना नीचे उतरना था, तो आज हम बहुत थक गए हैं। और मेरे को ना डर लग रहा था, मैं रो भी रही थी। इसको बहुत डर लग रहा था आज बोटिंग करते टाइम, बहुत ज्यादा रो रही थी। बोटिंग आपने वॉचिंग बोल दिया, बोटिंग बोला था मैंने। तो देखो मेरी इंग्लिश ने पकड़ा ही हमी से, मैंने बोला था बोटिंग, वोटिंग क्यों कहूँगी, बोटिंग बोला था मैंने। तो जी आज हैं हम अपने दीदी के घर पर यहीं सोएंगे और कल हमारे मैट्रेस आ जाएंगे, हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ जाके हम अपने सारा सामान न्यू फैला कर रहे हैं पूरे घर ना, 10 सामान चचा दिया जा फैला कर छोड़ रहे हैं। तो कल तो जी वहाँ पर ड्यूटी शुरू हो जाएगी, पूरा दिन बिजी रहने वाले हैं। तो मैंने ना आज इतने थक गए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। अगर अपना महाराज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, गुड नाइट। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।